काम किया गया है। अगर हमारे समाज के अधिकार और आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देती है तो 2022 के चुनाव में वीआईपी पार्टी जो है पिछड़े दलित वंचित अकलीय समाज के वोट बैंक की ताकत की बदौलत लटक कर झटक कर पटक कर सत्ता से बाहर करेंगे और समान विचारधारा के दल से हाथ मिला करके 2022 में सरकार बनाएंगे। किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए वीआईपी पार्टी जब आई, आप लोगों के संज्ञान में होगा कि सर आप मल्ला मुकेश सहनी ने कहा था कोई राम को मानता है कोई अल्लाह को मानता है, लेकिन वीआईपी पार्टी और सर आप मल्ला मुकेश सहनी जो है नारी शक्ति की प्रतीक, सामाजिक न्याय की प्रतीक और विश्व की चौथी और देश की पहली क्रांतिकारी महिला वीरांगना फूलन देवी में आस्था जताते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के 18 मंडल के 18 स्थानों पर 18 फुट की प्रतिमा लगाने का निर्णय उनकी 20वें पुण्यतिथि 25 जुलाई को लिए थे। हमारे संस्थापक सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को योगी की सरकार ने यही बाबतपुर एयरपोर्ट से बाहर न निकलने दिया, नज़रबंद करके कलकत्ता की प्लेन में बैठा करके वापस किया था। हम फूलन देवी को पूरे गरीब गुरबा पिछड़े दलित थी चाहे अगड़े समाज में जो बहन बेटियां हैं, मैं तो कहता हूँ वीरांगना बहन फूलन देवी हम लोगों के हाथ में राखी बांधने का काम करती थी, चाहे भाई किसी ब्राह्मण की लड़की हो चाहे मुसलमान की हो चाहे राजपूत और भूमिहार की हो चाहे पिछड़ा दलित पसमानदा की हो, अगर हमारी बहन बेटी के कर्म कोई बुरी निगाह से ताके तो उसको तमाचा मारना, उसको लाठियों से मार कर गिरा देना, तो हम लोग फूलन देवी के आदर्शों पर चलने वाले सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता है। मेरा क्वेश्चन था सर किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे, आप अपना मुद्दा बताइए। हमारा पहला मुद्दा है कि जिस समाज का बेसिक वोट बैंक बना करके वीआईपी पार्टी आई है, निषाद मल्ला केवल दिन धीवर का हर बुढ़िया बुढ़ा बाथम माझी को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाना, जल से जुड़े हुए बालू मौरंग खनन मत्स्य पालन और गंगफेटे की जमीन पर मछुआरों का अधिकार मिले, नौका फेरी और मत्स्या खेत शिकार माही का पूर्णतः अधिकार निषाद समाज का हो और सेंसस 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए और जिस तरह से एससी एसटी को कार्यपालिका में विधायिका में समानुपाती आरक्षण मिलता है उसी तरह से पिछड़े दलित वंचित समाज को जो है आरक्षण का हक मिलना चाहिए, हमें कार्यपालिका में विधायिका में न्यायपालिका में मिलना चाहिए, लेटरल एंट्री से जो संयुक्त सचिव बनाकर डायरेक्टर बना करके भारतीय जनता पार्टी जो है संघ लोक सेवा आयोग को कुंद कर रही है, अभी जो है कि सीधे साक्षात्कार के माध्यम से प्रोफेसर बनाने की साजिश है, यह विरोध करती है। अगर हिजड़ों की जनगणना होती है तो अगड़ों और पिछड़ों की जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वीआईपी पार्टी का ही होगी। उनको भी पहनाइए, कितना आगे से खींचते हैं मतलब इधर देखिएगा। ओके सर, देखिए भैया थोड़ा सा देखिए हमारे तमाम पदाधिकारी गण, आज मैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जो भी विकासशील इंसान पार्टी के इश्तिहार सरकार में पद पर उनके माध्यम से जो वीआईपी पार्टी का उद्देश्य है समाज के लिए प्रदेश के लिए, मैं उस संदर्भ में अपने प्रेस प्रतिनिधि किया अपने समाज के वोट बैंक को बेस बना करके बनाता है उत्तर प्रदेश के यादव है और समाजवादी पार्टी हमारे यादव और चौहान भाइयों का है बसपा की दो मजबूत करके मायावती जी को 4 है 12.91% किसान मल्ला केवल की जीवन कहा बुनियाद कहा महात्मा जी का एहसान और किसान है पिछड़ा हो हिंदू हो या मुसलमान हो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को गले लगा करके उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ जो है चुनावी समर में उतरेगी। 169 सीटें ऐसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में चिन्हित किया है जहां निषाद समाज का वोट बैंक 40,000 से लेकर के 1,20,000 है। बिहार में वीआईपी पार्टी का राजक से अध्यक्ष भाई अकरम जी और हमारे उपाध्यक्ष जी का कई लोग भाई हमारे बैठे हैं। मंडला मर रहे हैं, पूरी ठाकुर मर रहे हैं,
लोग वही खड़े हैं बताते हैं अभी, हम लोग भी थोड़ा सा खड़े हो जाए सब लोग को। अच्छा तो सभी का ग्रुप